देवास में जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा सभी जिमों का संचालन शुरू करने की मांग को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और जिम संचालकों ने आकर अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। देवास जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष खुमान सिंह बैस ने बताया कि जिम बंद होने से सभी जिम संचालकों और वहां कार्य करने वाले ट्रेनरों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी अपने परिवार का जीवन यापन और खर्च जैसे बैंकों की किस्त व जिम का किराया, बिजली बिल आदि जिम के संचालक पर ही निर्भर है। यदि जिम बंद हो गए तो सभी की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए हम जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन से ये चाहते हैं कि हमें पुरानी नियम शर्तों पर जिम चालू रखने की अनुमति दें। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो जिला प्रशासन और कलेक्टर साहब ने जो हम लोगों को आदेश दिए हैं कि जिम बंद रखे जाए, तो वैसे ही लॉकडाउन से अभी तक जिम के लोग उभरे नहीं हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा वापस रूटीन चालू हुआ था, वो फिर लॉकडाउन नहीं लगा है मगर जिम बंद कर दिए गए हैं। उससे हम लोगों को दिक्कत है कि हमें रेंट भरना है, बिजली के बिल बंद में भी आते हैं, जो बैंकों की EMI है लगभग सभी की है, तो EMI भी भरना है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम कलेक्टर्स वगैरह हमको ये बोल दें कि भैया आप लोग 50% या 30% जो आपकी स्ट्रेंथ है उतना लेके आप वर्कआउट करवा सकते हैं। हर जिम में 2000 से 3000 स्क्वायर फीट की जगह रहती है, जिसमें 10 से 15 लोग एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं। और हम जितने भी हमारे स्टूडेंट आते हैं, हम सभी लोगों को पहले सैनिटाइज करते हैं, फिर उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद एंट्री देते हैं और हर एक घंटे बाद मशीनों को हम सैनिटाइज करते हैं। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश कुमार की ये रिपोर्ट।